वरना क्रॉस कर दिया है। रात के नज़ारे जो है शानदार है। ट्रैफिक जो कुछ दिख रही है वो एयरपोर्ट वगैरह की तरफ की टैक्सियाँ हैं। दिस इज द न्यू जुवारी ब्रिज। पहले एक ही साइड खोला था, अभी उन्होंने दोनों साइड खोल दिया। नाउ इट्स कम्प्लीटली ओपन फ्रॉम बोथ द साइड। इस ब्रिज के बनने के बाद से जो पुराने वाले रास्ते में विच वॉज नैरो, उसमें थोड़े से ट्रैफिक लगता था, बट नाउ एज यू सी इट्स मोर लाइक अ 8-lane ब्रिज। थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं कि इतनी ट्रैफिक जो है वो निकल जाए सुबह सुबह, एंड बाय एटलीस्ट 9-10 बजे के आसपास हम कोल्हापुर हाईवे में टच हो जाएं। लेट्स सी आगे कैसे ट्रैफिक मिलता है। ऑल्दो वी नो कि आफ्टर मौलीघाट रोड पैचेस आर नॉट वेरी गुड, कई जगह एकदम कच्चे रास्ते टाइप ही बन गया अभी। आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, अपडेट करेंगे कि हाउ द रूट इज नाउ। बनिए रहेगा, वी विल रिकनेक्ट अगेन वंस वी आर क्लोज टू पंजिम। फ्रेंड्स अभी हम बैम्बुलिम क्रॉस कर रहे हैं। दिस इज द फेमस लैंडमार्क बैम्बुलिम चर्च। फ्रेंड्स वी आर ऑन द अटल सेतु। ये पंजिम शहर के बाहर मपसा को जोड़ता है और ये मांडवी नदी के ऊपर बना हुआ है। पीछे जो ब्रिज था जुवारी ब्रिज वो था जुवारी नदी के ऊपर। सो गोवा में दो प्रमुख नदियां हैं, तो जुवारी नदी और मांडवी नदी। लेफ्ट में हमारे पंजिम शहर रह रहा है, राइट में व्हाट्स ओल्ड गोवा, यू कैन गो रायबंदर एंड ऑल। सो नाउ वी आर क्रॉसिंग पोरवरिम फ्रेंड्स। सो पोरवरिम इज अ प्लेस विच लाइज बिटवीन द पंजिम एंड मापसा। मांडवी ब्रिज से उतर के पोरवरिम ही आता है पहले। अगर आप साउथ गोवा की तरफ से आ रहे हैं, आपको कलंगूट वगैरह जाना है, सिग्नल से यू कैन टेक द लेफ्ट। कलंगूट बागा जितने भी नॉर्थ गोवा के बीचेस हैं। मापसा बाईपास निकल जाएगा। सुबह भी देख के ट्रैफिक है, गाड़ियां हैं। गोवा इज अ टूरिस्ट प्लेस, तो गाड़ियां चलती रहती हैं, टैक्सी वगैरह। अनदर रीजन इज कि दोनों एयरपोर्ट जो है गोवा के वो अलग अलग डायरेक्शन में है, दाबोली में द मोपा एयरपोर्ट। तो टैक्सीज काफ़ी दिख जाती है दोनों तरफ। सो आफ्टर मापसा फ्रेंड्स पेरनेम इज द नेक्स्ट बिग टाउन इन गोवा। पेरनेम जो है ऑलमोस्ट इन द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र। पेरनेम से थोड़े देर निकल कर यू विल एंटर द महाराष्ट्र स्टेट। तो फ्रेंड्स अभी हमने NH-66 जो है वो छोड़ दिया है। नाउ वी हैव टेकन द रूट टू सावंतवाड़ी मौलीघाट। सावंतवाड़ी तक तो रोड ठीक है फ्रेंड्स, आफ्टर दैट आई थिंक इवन आफ्टर अम्बोली तक ठीक है। उसके आगे है जो पैचेस, जो एकदम ऐसे काफ़ी पैचेस हैं जो एकदम मिट्टी मिट्टी हो रखा है। लोग वॉक पे जाते हुए दोस्तों, सावंतवाड़ी
लेक ऑफ सावंतवाड़ी राइट साइड पे। सो फ्रेंड्स, जो सुबह जल्दी निकलने का फायदा यह है कि जैसे आप विलेज या टाउन के बीच से होके जाते हैं तो ट्रैफिक नहीं मिलता है। 8 साढ़े 8 के बाद मोस्टली लोग अपने काम पे जाना स्टार्ट करते हैं या स्कूल वगैरह। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिस इज अ सिंगल लेन रोड, तो गाड़ियां वगैरह ज्यादा रास्ते पे आती है तो फिर ऑब्वियसली स्पीड जो है वो कम हो जाना है। तो अगर हो सके तो जल्दी निकलिए सुबह जल्दी, एक बार हाईवे पे आप आ जाए फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, फिर आप अपने स्पीड पे क्रूज कर सकते हैं। स्टार्ट हो गया। सो दिस रोड इज स्टेट हाईवे 180, कोल्हापुर स्टेट हाईवे। मानसून के समय दोस्तों ये जगह जो है काफी खूबसूरत लगता है। दो तो तीन जगह है, पॉइंट्स हैं जहाँ पे वाटरफॉल से बन जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं रोड जो है थोड़े थोड़े से स्मूथ नहीं है, लाइक गड्ढे गड्ढे बीच में छोटे छोटे, बट दिस इज स्टिल ओके। जो आगे जो है वो रास्ता मिट्टी मिट्टी सा है काफी। तो फ्रेंड, रंबोली घाट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो यहाँ पे वड़ा पाव खाने के लिए रुक गए, चाय और वड़ा पाव। अरे सामने से, यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ पहाड़ की चोटी से। दो जगह है व्यू, एक यहाँ एक वहाँ। हम इस वाले में चलते हैं। हाँ, तो कुछ इस तरह के नज़ारे हैं बुली घाट के ऊपर से। फ्रेंड्स, उन रास्तों से होते हुए आए हम, घुमावदार एकदम। अभी हम एकदम घाट के ऊपर आ चुके हैं, सुंदर नज़ारा दोस्तों। अभी हम घाट से उतर रहे हैं, 15 मिनट का कुछ ब्रेक ले लिया, चाय वगैरह पी लिया, फिर वड़ा पाव खा लिया और 3 वड़ा पाव हमने पार्सल भी करा लिया। अच्छा लग रहा था, स्वाद जो है गर्मा गर्म एकदम, चाय भी जो है बाहर हल्की हल्की सी ठंड है, सूरज देव एकदम निकल रहा है। रोड जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत जगह जो ज्यादा काला दिख रहा है, दैट्स अ फ्रेशली लेड तार तार रोड, जो मेरे ख्याल से बहुत टाइम नहीं हुआ है, 2-3 हफ्ते भरी हुआ होगा, नहीं तो पहले रास्ता पूरे गड्ढे ही गड्ढे थे। सो ये रास्ता जो है दोस्तों, यहाँ से कोल्हापुर वाला रास्ता है, ये सीधे से चलते रहेंगे तो इट विल टेक यू टू कोल्हापुर। टाइम जो हो रहा है अभी सुबह के 7:50 कुछ हो गए हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों रास्ते का काम जो है वो चल रहा है अभी भी, कुछ जगह पे कंक्रीट डाल दिया इन्होंने। ये दूसरा पैच मिल रहा है जहाँ रोड जो इस तरह के हैं। इस वाले पैच को दोस्तों बहुत टाइम हो गया, पता नहीं क्यों नहीं बना पा रहे या जल्दी क्यों नहीं बना रहे। लास्ट टाइम भी था तो 2-1 मिनट का था, गंदा सा पैच, उसको बना दे तो और स्मूथ हो जाए जर्नी जो है। चलिए देखते हैं आगे, और इस
के पैचेस कितनी बार आता है। तो ये तीसरा पैच है दोस्तों। तो अभी वाला पैच जो था दोस्तों, वो थोड़ा सा तकरीबन 800-900 मीटर जो है रास्ता जो था गड्ढा गड्ढा था। दोबारा से देख सकते हैं कंक्रीट पे आ गए, तो आई थिंक इट इज स्टिल ओके। तो फ्रेंड्स, अभी हमने आजरा एंटर कर लिया है। रास्ता जो है यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि बन रहा है। जैसे देख सकते हैं राइट पे वो कंक्रीट डाल रहे हैं, लेफ्ट पे डल चुका है। आजरा निपानी होते हुए कोल्हापुर एंटर करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, अभी हम ये कोल्हापुर घुस गए, मैकडेज में रुके हुए और हाफ एन आवर ब्रेक लेके देन बैक वी विल हेड टू मुंबई। शाम को देखते हैं, रुके तो रुके, अदरवाइज 6:30-7 बजे तक पहुँचेंगे, दैट्स द प्लान। चलिए आगे। हाय, सो फ्रेंड, दैट्स द NH 48 जो मुंबई जाएगी। लेफ्ट जाएंगे तो मैकडोनल्ड्स पे रुक गए, थोड़ा सा बच्चे को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था, 12 घंटे रुक के निकल जाएंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं खाने के लिए, हल्दीराम्स वगैरह भी, अगर मील खाना है आपने, स्टारबक्स, दैट्स अ स्टारबक्स। चलिए फिर, इन रास्तों से तो कई बार आए हम, जब ऊटी गए थे तो इसी रास्ते से गए थे। जैसे तो हमने अम्बोली घाट वाला रूट ना लेके हम सीधे आगे निकल गए थे बेलगांव के लिए। अभी इसी रास्ते में सीधे सीधे चलते रहना है, तो 6:30 घंटे लगेंगे और घर पहुंचते हुए। तो मिलते हैं फिर आगे पुणे वगैरह में। चलिए, दिस द हाईवे टू पुणे। पुणे यहाँ से कुछ और 40 किलोमीटर है। हमने अभी लंच किया विट्ठल कामत में। वी हैड अ थाली एंड मिसल पाव, इट वाज नाइस। चलिए आगे, पुणे क्रॉस करके खंडाला लोनावला घाट के उधर मिलते हैं।
फ्रेंड्स अभी हम लंच करके निकल रहे हैं पुणे से 40 किलोमीटर। बहुत गर्मी है दोस्तों बाहर, इट्स लाइक 40 डिग्री सेल्सियस। अभी लोनावला में जुटते हैं हम, चलिए। फ्रेंड्स फाइनली वी हैव एंटर्ड थाने, नवी मुंबई सॉरी। थाने यहाँ से और 10-15 किलोमीटर है। सो दिस कंक्लूड आवर जर्नी, जो मुंबई से ऊटी के हम निकले थे, फिर ऊटी से मैंगलोर, मैंगलोर से फिर गोवा। नाउ वी आर बैक इन मुंबई। रोड जो है दोस्तों हमने अभी कोल्हापुर वाला रोड ही लिया। सो कुछ स्ट्रेचेस थे, जो 5-6 स्ट्रेचेस थे, जो मुश्किल से अगर टोटल किया जाए उनका डिस्टेंस जो है ट्रैवल टाइम 15-20 मिनट होंगे। कुछ जहाँ पे रोड जो थोड़े से ख़राब थे सारे पैचेस मिला के, अदरवाइज ओवरऑल जर्नी हैज बीन स्मूथ। तो रोड जो है अच्छे ही हैं। एटलीस्ट गोवा से अगर आप पुणे मुंबई आते हैं तो यू कैन टेक दैट रूट। तो यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम दोबारा, फिर किसी एक जर्नी में, किसी एक सफर में जुड़ेंगे दोबारा। तब तक ख्याल रखिएगा अपना।